रुचित जैन इक्विटी टेक्निकल एनालिस्ट हैं एंजल ब्रोकिंग के। रुचित जी नमस्कार, निफ्टी पे कॉल दीजिए सर सबसे पहले। जी नमस्ते। सर्टनली हमने ऑल्दो पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन में काफी गिरावट मार्केट में देख चुके हैं। अब यहाँ पे ऑल्दो शॉर्ट टर्म ट्रेंड ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट लेकिन कहीं ना कहीं काफी ओवरसोल्ड में मोमेंटम नहीं जा चुका है। अगर आप आवरली चार्ट पे देखेंगे तो निफ्टी अभी के आवरली चार्ट पे 200 मूविंग है, 200 आवर्स मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और आरएसआई जो है वो 20 के भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो यूजुअली जब ऐसे काफी ओवरसोल्ड मोमेंटम रिलीज होते हैं तो पुलबैक मूव आता है, तो इसीलिए कॉन्ट्रा कॉल लेकिन पुलबैक मूव के लिए निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह दूंगा। 11,390 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और जो हायर लेवल्स पे पिवट पॉइंट है 11,540 का है, तो एक से दो दिनों का व्यू रखने की भी सलाह रहेगी। ये पुलबैक नॉट नेसेसरी आज के ट्रेडिंग सेशन में रहेगा, लेकिन एक से दो दिन में व्यू रखे तो 11,540 तक एक पुलबैक हमें देखने मिल सकता है। अच्छा, पर रोचित जिस तरीके से इस महीने की बिकवाली शुरू हुई है, कोई कन्विक्शन है कि 11,520 या 540 भी पहुंच जाते हैं तो बाजार उन लेवल्स पे टिकेगा या फिर वहां से फिर से बिकवाली होगी, जो ट्रेंड अभी इमर्ज हो रहा है इस सीरीज के स्टार्ट में? यूजुअली जब भी करेक्शन करेक्टिव फेजेज आता है बाजार में तो दो टाइप के करेक्शन होते हैं, एक तो प्राइस करेक्शन होता है और एक टाइम करेक्शन होता है। सडनली हमने प्राइस करेक्शन तीन ट्रेडिंग सेशन में काफी शार्प देख चुके हैं, तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आने वाले कुछ समय तक हम टाइम करेक्शन देखेंगे। तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि लंबी तेजी की शुरुआत जो हमने पिछले दो तीन महीने में देखी थी वैसी कोई तेजी फिर से बहुत इमीडिएटली देखने मिलेगी, बट हाँ एक टाइम करेक्शन डेफिनेटली एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। 11,400 से 11,550 में भी 11,600 ये रेंज में ही आने वाले कुछ दिनों में ट्रेड करेंगे। तो जब भी आप हायर एंड ऑफ द रेंज पे आते हैं तो वहां पे बिकवाली करें, ना ही कि अभी जब लोअर एंड ऑफ द रेंज पे है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम रेंज के लोअर साइड पे जा रहे हैं तो यहाँ पर एक टेक्निकली बाउंस तो एक्सपेक्टेड है ही, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकना भी मुश्किल हो जाएगा मार्केट का, तो रेंज में ही रहेगा मार्केट ऐसा लग रहा है। लेकिन फिलहाल एंजल ब्रोकिंग 11,540 का लक्ष्य दे रहे हैं और 11,390 का एक स्टॉप लॉस। रोचित एक स्टॉक बताएं, क्योंकि आज फिर से भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है, डेरिवेटिव में ज्यादातर ट्रेड्स नेगेटिव ही है, ऐसे में कोई ट्रेड जहां पर कॉन्ट्रा कॉल ली जा सकती है? जी डेफिनेटली, क्योंकि मैंने निफ्टी में खरीदारी की सलाह दी है तो मैं इंडेक्स स्पेसिफिक देख रहा था कि कौन से स्टॉक्स ये निफ्टी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें ऐसा एक स्टॉक जो आउट परफॉर्मेंस हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है वो है एक्सिस बैंक। सडनली बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दो स्टॉक्स में पिछले डेढ़ दो महीने में जो अपमूव आया है उसमें सब ट्रेंड चेंज हो चुका है इन स्टॉक्स का। अपमूव में वॉल्यूम काफी सपोर्टिव रहे और अब हम जब गिरावट देख रहे हैं बाजार में तो गिरावट में भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि बाजार से कम गिर रहे हैं ये। तो एक्सिस बैंक इस पुल बैक मूव में पार्टिसिपेट कर सकता है, मिड कैप स्टॉक से दूर रहे, मिड कैप्स में कोई बस खरीदारी की सलाह नहीं है, इन एक्सिस बैंक में 622 के स्टॉक से खरीदारी करें, 665 के टारगेट करें। चलिए ठीक है, तो एक्सिस बैंक की कॉन्ट्रा कॉल होगी, 622 का एक स्टॉप लॉस और 665 का टारगेट। बाजार पे बाउंस आया तो एक्सिस बैंक उससे ज्यादा तेज हो सकता है, लेकिन पहले अंडरलाइन यानी कि निफ्टी पे ही कहीं ना कहीं पहले अगर खरीदारी आई इंडेक्स में तो उसके बाद एक्सिस बैंक जो कि कंपोनेंट है निफ्टी का हो सकता है वहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।